आखिरी बार देख लें आप लोग अपने भाई को दाढ़ी में, क्योंकि अब ये सारी की सारी जो है वो कटने वाली है। गाइस शेव वगैरह जो है वो बिल्कुल हो गई है और अब मैं जा रहा हूँ ईद मिलने के लिए। जानवर तो देख लें आप। यार जानवर कल देख लेंगे, बहुत देर हो जाएगी यार। सफेद गाड़ी सलमान भाई क्या हुआ, शादी वादी कर ली, लड़की मिली, क्या हुआ? तुम सबको मेरी शादी ही क्यों पड़ी हुई है? हो जाए ना, अभी क्या बुढ़ापन में करोगे? ईद मुबारक। आज है ईद का दिन, मैं ज्यादा इसलिए सो नहीं सकता क्योंकि नमाज शुरू होने में रह गए सिर्फ 15 मिनट। अब मुझे जाना है नहाने के लिए और आपको पता है आपका भाई जो भी करता है वो सब आपको दिखाता है, तो आपको पता है आगे मैं क्या करने वाला हूँ। शलवार का है मेरी शलवार। ये रही मेरी शलवार मेरे पास जो है वो आ गई है, मतलब शलवार आ गई है तो कमीज भी आ जाएगी। ओके गाइज, अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए क्योंकि वक्त बहुत कम है, उसके बाद नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी करनी है। अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी कबूल करे। आज जो है बकरे की कुर्बानी करेंगे हम। नहा के मैं आ गया हूँ, अब मैं पहन रहा हूँ शलवार कमीज और पहनने के बाद मैं कैसा लगूंगा ये बताएंगे आप लोग। गाइज आज आपके भाई ने पहना है काला जोड़ा, साड़ी फरमाइश थे, बाल बाल अभी आज पीछे कर लेते हैं क्योंकि आज ईद का दिन है और बड़ा दिन है। गाइस कैसा लग रहा हूँ मैं, कहीं नजर ना लग जाए खुद को। ओके गाइस, अब मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने और मिलते हैं अब नमाज के बाद। ईद मुबारक भाई, कहाँ था, नमाज में नजर नहीं आया भाई, मैं आपके आगे था, आप मेरे बिल्कुल पीछे थे। माशाल्लाह से आज ईद मुबारक। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे हैं ना, जरा अच्छा नहीं लग रहा, लोग नमाज पढ़ के भी जा रहे हैं, हम चलते हैं आगे जाके बात करते हैं। बाकी सबको आज ईद मुबारक। ईद मुबारक आप सबको। अब हाथ ये सर पर तुम। तो बहुत वीडियो देखता हूँ, बहुत वीडियो देखते हो मेरी। तुम कप कप आ क्यों रहे हो यार? अब वैसे ही यकीन नहीं आ रहा मेरे को, शर्म आ रही है। जब भी कप कप आ रहे हो ना। हेलो, आओ आओ गले मिलो। ईद मुबारक बेटा, कैसे हो? आप कैसे? गाड़ी यहाँ किसने खड़ी कर दी? मैं गया था रात। कहाँ गया था तू रात में? बस गया था, बॉय एक जगह गया था। यार बॉय तू लड़कियों के चक्रों में तबाह हो जाएगा यार बॉय, जरूरी मीटिंग की जाना जरूरी था बॉय। आज नमाज वगैरह जो है वो पढ़ ली है और बच्चे जो है बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बेटा ईद कैसी गुजर रही है आपकी? अच्छी गुजर रही है बहुत, अभी तो गोश्त भी मिलेगा। हाँ अभी गोश्त भी मिलेगा, मुझसे भी गोश्त चाहिए आपको? आप देंगे तो ले लेंगे। अपनी कुर्बानी कब करनी है? बस बेटा अभी थोड़ी देर में कुर्बानी करेंगे, मैं चेंज करके आ रहा हूँ कपड़े, आप भी चेंज कर लो। आप भी चेंज करके आ जाएं फिर हम लोग कुर्बानी करेंगे। सलमान भाई क्या हुआ, शादी वादी कर ली, लड़की मिली, क्या हुआ? तुम सबको मेरी शादी ही क्यों पड़ी हुई है? हो जाए ना, अभी क्या बुढ़ापन में करोगे? वो व्लॉग देखा था मुझे लड़की के साथ था? हाँ वो तो हाँ, पर वो लड़की आपसे बहुत छोटी थी। अच्छा वो लड़की छोटी थी? हाँ दूसरी देखे ना कोई आपके हाइट की। अच्छा मैं जैसे लम्बा हूँ लड़की भी लम्बी होनी चाहिए? हाँ ये भी। तुमने कोई लड़की देखी मेरे लिए? देखी थी यार लड़की, पर उन्होंने मना कर दिया ना। अच्छा मतलब बच्चों को भी मेरी शादी की फिक्र है गाइस, इसलिए लड़कियां मैं ढूंढ रहा हूँ और देखते हैं क्या है नसीब में, लेकिन अब जल्दी शादी करनी पड़ेगी। भाई तुम क्या कहते हो, शादी कर लूँ मैं? कर लो सलमान भाई, कितना कब करोगे, बूढ़े हो जाओगे क्या? मतलब ईद के दिन बच्चे ईद नहीं मिल रहे, कह रहे हैं सलमान भाई शादी कर लो। खैर अब मैं जा रहा हूँ घर चेंज करने के लिए कपड़े, फिर आके कुर्बानी करते हैं। आप तो मुझे लग रहा है बचपन में ही आप बड़े हो गए, जहन आपका कड़क है। चश्मा पहना हुआ ना तो जहन तो कड़क ही होगा ना। चलो बेटा अपना ख्याल रखो, सही है, और व्लॉग देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है? हाँ सही है, ये नेक काम करते रहो, आप लोग भी करें चैनल को सब्सक्राइब और घर बैठे नेकी कमाएं। सॉरी गाइस मैं सो गया था, असल में रात भर में सोया नहीं था, फिर सुबह कुर्बानी करी, 1 बजे मैं फ्री हुआ हूँ, उसके बाद मैं सो गया था, बहुत नींद आ रही थी। अभी उठा हूँ और अभी भी उठने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन गाइस ईद का दिन है तो जाहिर सी बात है आप लोगों को दिखाना तो पड़ेगा ये करना क्या क्या है और क्या क्या नहीं करना, इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस मैं इस वक्त क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा, आवाज़ मेरी बहुत भारी हो रही है, आँखें मेरी नहीं खुल रही हैं, तो फ्रेश होके आता हूँ उसके बाद देखते हैं क्या करना है। गाइस आखिरी बार देख लें अपने भाई को दाढ़ी में, हॉर्न बंद कर यार। एक तो ये बड़ा मसला है फ्लैट में रहने का, लोग बाहर हॉर्न मारते हैं और आपका जो है कान पड़ जाता है, व्लॉग भी नहीं बन पाता। तो गाइस मैं कह रहा था आखिरी बार देख लें आप लोग अपने भाई को दाढ़ी में, क्योंकि अब ये सारी की सारी जो है वो कटने वाली है। शेवर मैंने उठा लिया है अपने हाथ में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वर्ल्ड कप चल रहा है, हर कोई क्रिकेट देख रहा है, लेकिन क्रिकेट देखने के पैसे नहीं मिल रहे, इसलिए भाई मशवरा दे रहा है कि डाउनलोड करो माइको ऐप, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रहा हूँ, जितना इस पे वर्ल्ड कप के मैचेस देखोगे उतने आपको पैसे मिलेंगे, तो देखते जाओ कमाते जाओ। इस वॉशरूम में जाके कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे रूम में जो है वो बाल बहुत ज्यादा गिर जाएंगे, जिससे मेरी मम्मी को आ जाएगा गुस्सा
और शायद फिर मुझे वो घर से निकाल दें। अभी तो मेरे पास घर भी नहीं है रहने के लिए, इसलिए मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके जो है मैं अपने आप को क्लीन करता हूँ, फिर आप देखिएगा। बल्कि मेरे साथ ही आ जाएं आप लोग, आप लोगों से क्या छुपाना है यार। कहीं काटने के बाद मैं बहुत अजीब सा तो नहीं लगूंगा? खैर अब यहाँ की तो कट चुकी है, पूरी काट देते हैं, अल्लाह मालिक है। गाइस ये लुक कैसा लग रहा है? थोड़ी सी रह गई है, उसके बाद क्लीन करके मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं कैसा लग रहा। गाइस शेव वगैरह जो है वो बिल्कुल हो गई है और अब मैं जा रहा हूँ ईद मिलने के लिए। हारिस सो रहा है इसलिए उस्मान को लूंगा और जाऊंगा हादी जीवा के पास, और गोश्त जो है मैंने वो ले लिया है हादी जीवा और उस्मान का। चले अब मैं चलता हूँ और मिलते हैं वहां जाके। ईद के दिन रोडों पे होता है बहुत सन्नाटा, लेकिन क्यों? मैं तो जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास ईद मिलने के लिए। आप लोग ये बताएं कि आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है? ईद मुबारक फिर से सोड़ा माशूक होवे, बच्चे बंदूक होवे, रोके जो ताइयों ठोक डोला, अपने बस दो ही शौक डोला। भाई ये उस्मान भाई हैं, तो हमेशा फोन पे आते हैं और रोना धोना करते हैं, आज उनको मैंने उठा लिया गाड़ी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? क्या बोलूं मैं, शर्मा रहे। की खत्म हो गया। भाई अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं पता है? सब छोड़े, प्यारे बड़े लग रहे हैं आप, शेव कर ली ना यार, इतने दिन शेव किए प्यारे लग रहे हैं। अच्छा बहरहाल अब बताओ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग जाएंगे अवेश के घर पे। हम लोग जा रहे हैं अवेश जीवा के घर पे। अवेश जीवा ने खाना नहीं खाया और वो बोल रहा है सलमान भाई आप आएंगे तो मैं खाना खाऊंगा, इसलिए मैंने हादी और उस्मान को उठा लिया अवेश जीवा के घर पे जाने के लिए। मैं तो सुबह से भूखा रहा हूँ, लेकिन अंदर चला गया। उस्मान तूने खाना खाया? नहीं भाई, तूने बोला था कि उसने दावत दी है तो कुछ ना कुछ तो खिलाएगा ना वो। चलो भाई अब चल के देखते हैं कि अवेश जीवा के घर पे खाने में है क्या। गाड़ी भी सुथरी हो रही है, हम भी सुथरे हो रहे हैं, ईद भी सुथरी हो रही है, मगर रोड सुथरे नहीं हो रहे। रोड सुथरे नहीं हो रहे, रोड इसलिए सुथरे नहीं हो रहे क्योंकि कराची के रोड है। बहरहाल अब चलते हैं, इससे पहले हमें चोर आके लूट लेंगे। कराची में कुछ नहीं पता, ना जिंदगी का ना मोबाइल का, तो हम चल पड़े हैं। 20 minutes later. हम लोग आ चुके हैं अवेश जीवा के घर के नीचे। अब अवेश जीवा गोश उठाओ, डिग्गी में से निकालो। मैंने डिग्गी जो है वो खोल दी है, लिखा हुआ जीवा। चलो जीवा का निकाल लो गोश, बाकी एक उस्मान भाई का एक तुम्हारा है। भाई अवेश जीवा की बिल्डिंग यही है? हाँ यही है। आपको पता है उनका घर कहाँ पर है? बिल्डिंग में, घर पे। आप उनके भाई लग रहे हो। हाँ उनका भाई हूँ। चलें घर चलें, फिर अभी चलेंगे जी। अवेश का भाई मिल गया हमें अवेश की बिल्डिंग में, अब ये लेके जा रहा है घर पे। अवेश सलवार कमीज का है यार, पूरे 12 महीने सलवार कमीज, आज के दिन पैंट शर्ट। ईद मुबारक। अवेश तुम्हारी मोहब्बत में सारे काम छोड़ गया हूँ। अरे बस आपकी मोहब्बत है, अब मैं आपकी ऐसी मेहमान नवाजी करनी है। अच्छा ये हैं अवेश के पापा। सर कैसे हैं आप? माशाल्लाह से आपका बेटा तो अच्छा है वैसे। माशाल्लाह। और बड़े प्यारे लग रहे हैं आज आप। आपकी मोहब्बत है। पर्पल कलर का सूट पहना हुआ है आपने आज। वो कभी कभी पहन लेता हूँ। ये कौन है? सलमान शेख भाई। कैसी हो? ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद चले बैठे। मैंने बाइक इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है, गोप्रो ली है? ये गोप्रो जैसा ही है। हाँ लेकिन गोप्रो नहीं है। अच्छा आप ब्लॉगिंग वगैरह इससे करोगे? हाँ ब्लॉगिंग इससे करेंगे। लोग मुझे बोल रहे थे मोबाइल ले लो, लेकिन मैंने कहा कैमरा लेते हैं क्योंकि कंपनी ने कोई चीज बनाई है ना, तो सोच के बनाई। और वैसे तुम्हारी छोटी बहन बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत तो है। वैसे मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये जितना अभी शर्मा रही है ना, ये जैसा अभी बैठी हुई है ना, ये कसम खा रहा हूँ ये बहुत शरीफ होके बैठी हुई है सलमान भाई। लेकिन अवेश इतनी देर हो गई, भूख लग रही है? भूख लगी है। खाना खाने भी तो बुलाया था यार अवेश। मैं तो मिलने के लिए बुलाया था। सुबह से खाना नहीं खाया है। तुम क्या कर रहे हो? खाना भी नहीं बनाया, तुमने कपड़े भी चेंज नहीं किए। चलो इतना नहीं तरसाना चाहिए, मंगवा ही लेता। रोटी खोल दो शफीक अहमद। आप ही खाओ ना, प्यारी बहन है तुम्हारी यार, तुम किस पीछे देगा। सर उस्मान कह रहे हैं कि मेमनों के हाथ में बहुत जायका होता है। ये तो अभी आपको पता चलेगा, अभी आप ट्राई करें फिर देखेंगे। ये कलेजी है, बोटियां हैं, शामी कबाब, मेमनी पुलाव। ये आ गया मेमनी पुलाव, सीख कबाब, बोटियां, शामी कबाब। शामी कबाब गोश्त वाली, बकरे की कलेजी। ठीक है, सुबह बहुत चीखे मारा था, बै बै बै, मैंने काट दिया। उस्मान मुंह में पानी आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल भाई, कब से आ रहा है मेरे मुंह पानी, कोल्ड ड्रिंक भी आ रही है। इस बेचारे ने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसको तो कोल्ड ड्रिंक भी आ रही है भाई। आप स्टार्ट करें, बहुत भूख लग रही है। बहुत भाईजान, ये सलमान भाई आप ले। चले भाई अब हम खाना स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद बताएंगे खाना बना कैसा है। दिखने में तो बहुत खूबसूरत है। इसकी इमली की चटनी है, इमली और जिंजर। जिंजर हाँ, जिंजर को उर्दू में क्या बोलते हैं पता नहीं है।
जिंजर। यही बिरयानी अगर मुझे मिल जाए ना और मैं बाहर बेचना शुरू कर दूं, रश ही रश लग जाएगा। चलो वेस, बहुत शुक्रिया तुम नीचे छोड़ने के लिए आए, अब हम चलते हैं, ठीक है? ओके सलमान भाई, मैंने जानवर तो देख लें आप। यार जानवर कल देख लेंगे, बहुत देर हो जाएगी यार। सफेद गाड़ी के पास खड़े हैं। ऊंट लिया करवाने के लिए? ऊंट कहाँ? अच्छा इसके पीछे भी सलमान भाई एक कहानी है, इसके पीछे भी एक कहानी है। मैं वो सुना नहीं सकता वरना ये जिसकी कहानी है ना वो नाराज हो जाएगा। चलो चलो कोई बात नहीं, चलो अब चले चले, चलो आ जाओ। सबको छोड़ दिया है, अब मैं जा रहा हूँ घर। अगर व्लॉग में कोई एक चीज भी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरा साथ दें और सलमान की सेना में शामिल हो जाएं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।